Good afternoon, dear students. Yesterday we have discussed illustration number 6 and some journal entries, some cases. Today we will discuss some other important transactions, such as first one is amount withdrawn for personal use. पर्सनल यूज ऑनर अगर पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो सी किया है आपकी ड्रॉइंग ओके तो ड्रॉइंग के नाम से अकाउंट आपका ये ओपन होकर डेबिट होगा तो एंट्री क्या होगी आपकी क्रेडिट साइड में बाय ड्रॉइंग मैं सिर्फ कैशबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको यहाँ डिस्कस कर रही हूँ तो आपको सिंपली पूरी जर्नल एंट्री को यहाँ पर लिखने या सोचने की नीड नहीं है आप सिर्फ ये चेक करो कि आपका डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज एक्चुअल में आपकी जर्नल एंट्री रहेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर बैंक से ये विड्रॉ करते हैं ठीक है तो अगर कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ओके तो आपको यहाँ इसकी ट्रीटमेंट कहाँ करनी है क्रेडिट साइड में बाय ड्रॉइंग अगर बैंक विड्रॉ हुआ है तो बैंक से बैंक की कॉलम में शो करेंगे अगर कैश विड्रॉ हुआ है तो कैश की कॉलम में नेक्स्ट आपका है एंडोर्समेंट ऑफ ए चेक सेकेंड पॉइंट है एंडोर्समेंट ऑफ चेक ये आपके लिए एक नया पॉइंट है मैं आपको बता दूं एंडोर्समेंट क्या होता है स्टूडेंट्स जब एक चेक हम लोग यहाँ रिसीव कर रहे हैं और उसी चेक को हमने आगे किसी के लिए पेमेंट के लिए यूज कर दिया दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ठीक है मतलब समटाइम चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर कस्टमर से हमने उसको रिसीव किया है ठीक है अब हमने उसको बैंक में नहीं भेजा ठीक है वी आर नॉट डिपॉजिटिंग जो बैंक बट ऐसा हो सकता है कि हमें किसी और पर्सन का भी पैसा दे रहा है तो उसको देने के लिए हम उसी चेक को यूज कर रहे हैं ठीक है सो द रिसिप्ट एज वेल एज एंडोर्समेंट ऑफ चेक इज रिकॉर्डेड थ्रू द जर्नल इसको हम सिर्फ जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे दोनों एंट्रीज को क्योंकि दो एंट्रीज होंगी एक रिसीविंग की और एक पेमेंट की ओके अगर एक पर्सन से कस्टमर से हमने रिसीव किया और सप्लायर को हमने पे किया इट मीन्स वही चेक उठा के तो दो एंट्रीज होंगी एक रिसीविंग की और एक पेमेंट की लेकिन इसमें क्योंकि हम कैश ले ही नहीं रहे कैश बैंक में नहीं जा रहा वो चेक तो बैंक आपका इसमें कहीं पर भी इंक्रीज नहीं होगा तो डेट पर कैश बुक में इसका कहीं कोई रोल नहीं आएगा तो क्या करेंगे फिर इसकी आप इसकी जस्ट यू कैन पास जर्नल एंट्रीज टू जर्नल एंट्रीज पास होंगी इसकी फर्स्ट जब आप रिसीव करोगे चेक सपोज ए पर्सन से आपने रिसीव किया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए ओके और वही चीज यही चेक हमने 5000 से या 10000 से कुछ भी था आपका और ये हमने चेक आगे बी पर्सन को दे दिया ठीक है बी रिसीव करेगा अब तो बी डेबिट टू चेक इन हैंड मतलब ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया ही नहीं है तो इसका हमें हमारे पास कोई भी अमाउंट ना बैंक कैश कहीं पर भी नहीं आएगा तो ये आपको जनरल प्रॉफिट पास जनरल एंट्रीज These two general entries. That's all. Next third point is bank charges. Bank आपको पता है कि sometime कुछ services के लिए वो भी चार्ज करता है हमारे अकाउंट में तो ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट कर देता है ठीक है तो बैंक चार्जेस जो है वो एक तरह के क्या है एक्सपेंस है तो जनरल अगर आप करते हैं तो जनरल में आपकी एंट्री रहती है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक तो ये आपके बैंक के बैलेंस को रिड्यूस करेगा ओके तो रिड्यूस करने के लिए मतलब पेमेंट हो रही है तो ये आपकी साइड आएगी क्रेडिट साइड आप शो करेंगे बाय बैंक चार्जेस और कॉलम कौन सा होगा आपका बैंक कॉलम इस कॉलम में आप इसकी अमाउंट शो करेंगे बैंक के कॉलम में राइट नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका बैंक चार्जेस ऑन डिसऑनर चेक जब भी चेक डिसऑनर होगा ना तो तब भी बैंक जो है कुछ चार्ज करता है ठीक है वो भी आपके एक एक्सपेंस है तो सेम यही ट्रीटमेंट होगी आपकी बाय बैंक चार्जेस करने होंगे
नेक्स्ट आपके पास टॉपिक जो है, सॉरी ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, नहीं अभी एक और है फिफ्थ पॉइंट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कस्टमर डायरेक्टली अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करा रहा है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। अब कस्टमर ने हमारे अकाउंट में जाके डायरेक्टली हमारे अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा दिया, तो क्या होगा, बैंक विल बी इंक्रीज, आपके पास रिसीविंग हो रही है तो रिसिप्ट साइड में यानी कि टू साइड में आप उसको शो करेंगे, डेबिट साइड में, ओके तो डेबिट साइड में ही आपकी ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट आपके पास है इंटरेस्ट की जो ट्रांजेक्शन है, सिक्स पॉइंट, इंटरेस्ट एक तो अलाउड है, इंटरेस्ट अलाउ करता है बैंक तो वो इनकम है, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ठीक है, तो इंटरेस्ट अलाउड जो है वो बाय बैंक इंक्रीजेस द बैलेंस ऑफ बैंक, बैंक के बैंक बैलेंस को बैंक बैलेंस को ये इंक्रीज करेगा, तो ये रिसिप्ट है तो ये आपकी आएगी टू साइड में, ओके डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट। ऐसे इसका सेकंड केस है इंटरेस्ट चार्ज, अब इंटरेस्ट चार्ज किसके ऊपर करता है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो चार्जेस, अगर जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है या कोई लोन है या कुछ इस तरह से, अगर हमारा बैलेंस नेगेटिव है अगर बैंक में, तो बैंक जो है वो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट चार्जेस जो होंगे वो क्या करेंगे, बैंक अमाउंट को वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, तो दैट्स वाई हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, द एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब ये आपकी शो होगी बाय इंटरेस्ट चार्जेस या इंटरेस्ट पेड, जिस नाम से भी आपके पास आएगी उस नाम से ही आप इसको शो कर देना, ठीक है, तो ये आपकी कुछ एक्स्ट्रा हम अदर ट्रांजेक्शन से जो हमने डिस्कस करनी है इनसे रिलेटेड, अब आपके पास क्वेश्चन में ये भी आपके पास ट्रांजेक्शन ऐड होके आएंगी। अभी एक आपके पास जो इसमें न्यू पॉइंट मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7 में भी वो डिस्कस कर रही हूँ मैं, आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है सेम है जैसे हमने कल डिस्कस किया है, आपको दोनों साइड में वैसे ही करना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड बना के, यहाँ आप ये क्वेश्चन में एक बार डिस्कस कर रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट 7 ड्रॉ कर ही लेते हैं, चलो डेट पार्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो, ड्रॉ योर फॉर्मेट, कैश बैंक डेट पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए क्योंकि स्पेस में रकम है तो आप इसको प्रॉपर लाइंस लगाओ, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये वाउचर नंबर एंड लेजर फोलियो, ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर है 7, इलस्ट्रेशन पेज नंबर है आपका 11.19, ओके, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन टू कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मेसर्स मिस सुनीता, ओके, फर्स्ट है 2018 जनवरी 1st कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टूडेंट्स अगर तो बैंक बैलेंस लिखा होगा दैट विल बी पॉजिटिव बैलेंस ऑफ बैंक, सो वी विल शो इन डेबिट साइड, बट इफ इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट देन दैट इज द नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, सो वी विल शो इन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, राइट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से ये शो होगा तो ये आपका नेगेटिव बैलेंस है, तो इसको हम शो करेंगे क्रेडिट साइड में,
अभी आपका कैश का पॉजिटिव बैलेंस है January 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, January 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, ये आपका कैश का जो बैलेंस है वो है आपके पास 70,000 और बैंक बैलेंस आपके पास नेगेटिव है वो है आपके पास 50,000। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास January 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेची गई है कैश में तो टू सेल्स बाय रुपीज है 50,000, टू सेल्स अकाउंट 50,000। ठीक है, डेट आप मेंशन करते जाएंगे साथ साथ, January 4 है ये 4 डेट। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक स्टूडेंट, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। कैश जब बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक विल बी इंक्रीज एंड कैश विल बी डिक्रीज, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश इस साइड आप दिखाओगे टू कैश अकाउंट और इधर आप दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट। ये आपकी सेम डेट है तो इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री को शो कर दो सी सी। ठीक है, अमाउंट आपके पास गिवन है 80,000। ठीक है, डेट 5/5/80,000। जब आप कैश लिख रहे हैं तो अमाउंट विल बी इन बैंक कॉलम, देन वी विल राइट बैंक, देन अमाउंट विल बी इन कैश कॉलम, 80,000 इन कैश कॉलम। ओके, नेक्स्ट आपकी है January 6 परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, मीना से गुड्स परचेज किए तो बाय परचेजेस। ठीक है, तो यहाँ बैंक बैलेंस कुछ भी यहाँ शो नहीं हो रखा कि चेक है ये क्या है, तो पेमेंट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है। तो January 6 की आपको पैसे मतलब पेमेंट से रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, जस्ट परचेजेस किया है, परचेज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डेट 6 की कोई भी एंट्री हम कैश बुक में नहीं करेंगे बिकॉज पेमेंट से रिलेटेड कैश या बैंक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, परचेज किए हैं गुड्स। तो यहाँ ये जस्ट एक जनरल एंट्री है आपकी, एंट्री क्या होती है परचेज अकाउंट डेबिट और मीना। ओके, और ना तो यहाँ पर परचेजेस का कोई अकाउंट है और ना ही मीना का, ये हमारी है कैश बुक, पर आप कैश बुक लिखेंगे तो कैश या बैंक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी विल पास ओनली जर्नल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट January 7 चेक इशू टू मीना फुल सेटलमेंट 28,800। तो स्टूडेंट यहाँ 30,000 से परचेज हुआ था लेकिन पेमेंट 28,800 से आ रही है, तो इट मीन जो डिफरेंस है वो आपका डिस्काउंट में जाएगा। अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला ही नहीं है कि जर्नल प्रॉपर बनाना है तो आप जर्नल एंट्री को स्किप कर सकते हो। अगर यहाँ आपको मेंशन है कि जर्नल प्रॉपर बनाना है, प्रॉपरली मेंटेन करनी है, जर्नल एंट्री करके दिखानी है, तब आप इसको जर्नल एंट्री में शो करोगे। अदरवाइज आप यू कैन जस्ट गिव वर्किंग नोट, आप जस्ट एक उसको वर्किंग नोट की तरह ही शो कर सकते हो। जैसे अभी आया था January 6, तो आप यू कैन राइट थिंग कि दिस इज द जर्नल, दिस इज द ट्रांजेक्शन ऑफ जर्नल, बस इतना भी लिख सकते हो कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो जर्नल की है, तो इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो या इस तरह से मेंशन कर सकते हो कि ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ऐसे ही अब आपके पास जो है 7 डेट आई है, तो 7 डेट में जब चेक इशू किया गया, ओके, और अभी क्या होगा, चेक तो रिसीव हो रहा है आपको लेकिन वो डिस्काउंट भी ले रहा है साथ में, तो डिस्काउंट की आपको जो एंट्री है वो आपको जर्नल में करनी है। आपको करके नहीं दिखानी बिकॉज यहाँ मेंशन नहीं है, तो आप जो यू जस्ट गिव ओनली वर्किंग नोट, आप सिर्फ वर्किंग नोट इसमें दे सकते हो। ठीक है, तो ये चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट 28,800, तो ये एंट्री आपकी आ जाएगी। सेवन डेट बाय मीना, ओके, 28,800। क्योंकि यहाँ मेंशन कुछ नहीं है तो हम यही मान के चलेंगे कि सेम डे ही ये डिपॉजिट करा दिया गया है बैंक में। अगर यहाँ मेंशन होता कुछ तो ये नेक्स्ट डे जाएगा, यहाँ अभी जस्ट डिपॉजिट नहीं कराया गया है, देन हम इसको यहाँ पर चेक इन हैंड के थ्रू इसको फ्रीज करते हैं। ओके, अभी यही मान के चल रहे हैं कि ये हमने सेम डे ही सेम भेज दिया है इसको बैंक में। नेक्स्ट है, अगर ऐसा आपको डाउट लगे तो यू कैन ऑल्सो राइट द वर्किंग नोट, आप इसमें भी आप वर्किंग नोट में इसको मेंशन कर सकते हो कि वी अज्यूम कि दैट की जो मीना का जो चेक है वो सेम डे ही डिपॉजिट करा दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास है January 8 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज,
अभी यहाँ पर विड्रॉ किया है लेकिन पर्सनल यूज के लिए। तो आपको पता है जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया जाएगा तो उस केस में आपके पास ये ड्रॉइंग्स जो है वो डेबिट होती है। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, ओके। ये कितने से हैं आपके पास? 5,000। गुड्स परचेज करने की कोई एंट्री नहीं की थी हमने, उनको चेक पे चेक दिया है तो बाय नीना कर दिया, सेम डे से डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो उसकी आप एंट्री शो तभी करेंगे जब मेंशन हो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट में ही दिखाओ। अभी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो बाय ड्रॉइंग, ठीक है, तो बाय ड्रॉइंग 5,000 बैंक से विड्रॉ किया है। नेक्स्ट आपके पास है January 12, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम, चेक ले लिया है उससे तो गुड सेल हुई है, तो ये चेकिंग हैंड है, ठीक है। चेक जो रिसीव हुआ है वो अभी बैंक में डिपॉजिट कराने की कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है इस डेट में, तो डेट पे एंट्री क्या होगी आपकी? चेक इन हैंड रिसीव आप जो कर रहे हो टू अजय। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, चेक इन हैंड डेबिट टू सेल्स, यहाँ आपको कोई भी एंट्री कैश बुक में शो नहीं करनी है इस डेट पे, क्योंकि बैंक और कैश से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, कुछ भी अफेक्टेड नहीं हुआ यहाँ पर। तो 12 डेट की आपकी जर्नल एंट्री यहाँ नहीं है, कोई भी एंट्री नहीं है, जर्नल होगा, जर्नल प्रॉपर में आप शो कर सकते हो। नेक्स्ट 17, चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अभी जो चेक रिसीव हुआ है वो अब आपका जाएगा बैंक में, ठीक है। तो टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट में अब आपके पास अमाउंट जो है ये ऐड हो जाएगी 25,000। ये 17 डेट है, 17 डेट की एंट्री आप करोगे जब उसने डिपॉजिट कराया है उसको बैंक में, पहले वाली एंट्री को आपने रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट आपके पास है Day 20, बैंक चार्जेस। ऑब्वियसली जो चार्जेस होते हैं वो पे किए जाते हैं तो पेमेंट साइड में आ जाएंगे, और बैंक चार्जेस है तो वो अपने आप बैंक बैलेंस में से ही रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो बाय बैंक, या बाय बैंक चार्जेस आ जाएगा, ये डेट है 20, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 20 डेट, और अमाउंट है ये आपके पास बाय 500, ओके ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास जो आ रही है डेट 22, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 22 डेट है, ये भी चार्जेस है आपके पास, तो 22 डेट से बाय इंटरेस्ट चार्जेस अकाउंट, इंटरेस्ट चार्जेस है कितने से? इंटरेस्ट चार्ज 2,500। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देखेंगे 22 के बाद आपके पास डेट आई है 23, 23 रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से कैश रिसीव हो रही है तो टू रमेश, 23 टू रमेश, अमाउंट इज 28,000, कैश में आया है तो कैश कॉलम में शो करो, ओके। नेक्स्ट 23 के बाद आपके पास डेट आ रही है 28, पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। स्टूडेंट्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज द पर्सनल एक्सपेंस, तो ये भी आपकी ड्रॉइंग होती है, ठीक है। अगर बिजनेस का इंश्योरेंस कराया जाएगा वो ऑफिशियली है, वो आपका ऑफिस से रिलेटेड है, तो दैट्स व्हाई उसको आप ड्रॉइंग्स में नहीं लेते, बट अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो वो ओनर अपने लाइफ इंश्योरेंस की जो भी पेमेंट करेगा, ठीक है, वो आपका ड्रॉइंग्स है, तो बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स ये कितने से है? बैंक पेड सुनीता लाइफ, ये चेक दिया है 15,000 से, बाय ड्रॉइंग अकाउंट 15,000 से चेक पे किया है तो 15,000 से बैंक आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। और ये डेट है आपके पास 28, राइट, आपके 28 डेट है आपके पास 30th, ये यही मेन आपको एंट्री कराने के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया, तो थोड़ा इसको ध्यान से रीड करना। लास्ट एंट्री January 30th, डिपॉजिटेड इन टू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ऑफ 5,000 कैश इन बिजनेस। इट मीन्स कि
5,000 का कैश अपने पास रखने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कैश हमारे पास बचेगा वो सारा बैंक में डिपॉजिट कराना है। तो स्टूडेंट, जब भी कैश को बैंक में डिपॉजिट कराते हो तो वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी हम पहले ये चेक करते हैं कि हमारे पास कैश में प्रॉपर बैलेंस कितना है। ठीक है, आप दोनों साइड का टोटल करके बैलेंस निकालो, टोटल करो दोनों साइड का। आपके पास दोनों साइड का जो टोटल आएगा वो देखो क्या आ रहा है कैश का, 70 + 50 + 28 ये आएगा 12, 12 + 2, 14, 1,48,000। ठीक है, 1,48,000। ऐसे ही आप इधर देखो इसका कैश का बैलेंस कितना है, 80,000। ओके, तो अभी आप ये रफ में भी आप देख सकते हो, शेयर में करने की जरूरत नहीं है इसका। आपने इधर जो मैक्सिमम है उसको तो देख सकते हो, इधर आप चेक कर लो बस, ये 80,000 है। आप लेस करके देखो, 1,48,000 -80,000 अमाउंट 0,008, 14 -8, 68,000। अभी आपके पास बैलेंस आ रहा है 68,000 से, जिसमें से 5,000 का कैश रिटेन करके रखना है बिजनेस में। बाकी देखेंगे कितना अमाउंट बचता है, 8 - 5, 3, 6, 63,000 जो अमाउंट है इसकी आपको कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। अभी अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, 31st की एंट्री भी रहती है अभी पेंडिंग, 31st डेट जनवरी की। अब आपकी कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री बैंक में बैलेंस डिपॉजिट करा रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय टू कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट अमाउंट आपने ये कैलकुलेट कर लिए 63। जब आप यहाँ कैश में आ रहे हो तो बैंक अमाउंट में जाएगा 63,000 और उधर से ये रिड्यूस हो जाएगा, ये जाएगा कैश में से रिड्यूस हो गया 63,000। इज इट क्लियर? अब आपने कॉन्ट्रा एंट्री जो करी उसके लिए सी मेंशन करना है लेजर फोलियो में, इस तरह से 31st जनवरी की ये डेट है। ये आपने बैलेंस निकाला है कैसे, मैंने आपको बता दिया, टोटल बैलेंस देख लिया, बैलेंस में से जितना आपको रिटेन करके रखना है वो अमाउंट आपने उसमें से डिडक्ट कर ली। अब जो अमाउंट लास्ट में बैलेंस बचा यानी कि 63,000 से जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैश है उसको हम बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, उसके कराने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है, तो बाय टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री से मेंशन करो। इधर यहाँ ये बैंक को इंक्रीज कर देगा और यहाँ ये कैश को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अब आपका बाकी जो बैलेंस है वो प्रॉपरली जैसे आप कर रहे हो वैसे ही आप इसको कर दो, टोटल कर दो दोनों साइड की, ये टोटल रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट आएंगी, टोटल पेमेंट्स दोनों साइड की, टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट निकाल लो। रिसिप्ट आई है आपके पास 1,48,000 एंड 1,68,000। ओके, अभी इधर का भी आप चेक कर लो, क्योंकि इधर तो हमने लेस करके निकाल ही लिए था, ये बैलेंस आपके पास जो आएगा अब सीधा बैलेंस ही निकाल दो, टोटल पेमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा बैलेंस ही निकाल दो, बाय बैलेंस कैरी डाउन 31st, ये आपके पास आएगा 5,000 से, क्योंकि आपने ये कैलकुलेट करके निकाला ये 5,000 से। अब ये इसका टोटल इक्वल हो जाएगा 1,48,000 एंड सेकेंड 168 में से ये आप सारी आइटम्स माइनस कर दो, आपके पास जो बैलेंस आएगा वो आएगा 66,200, टोटल 1,68,000 बैलेंस है। ठीक है, कैश का बैंक। तो स्टूडेंट्स, जिसको भी इस एंट्री में प्रॉब्लम आ रही थी ये मैंने डिस्कस किया, ये भी अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ठीक है, एक बार मैं आगे की सारी क्वेश्चंस को जस्ट एक बार रीड आउट कर रही हूँ, आप एक बार देख लो कि किसी में अगर कुछ डाउट है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। 8A, 8B, कुछ इसमें न्यू तो नहीं है, जो डिस्कस हो गया है उसी से रिलेटेड भी आएगा आपके पास, कुछ भी नई चीज नहीं आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 9, इंडोर्समेंट वाली एंट्रीज मैंने आपको बता दी है, इंडोर्समेंट जो है वो 9th इलस्ट्रेशन में आपको मिलेगा। ये लास्ट आपके पास
नाइन्थ इलस्ट्रेशन पेज नंबर 11.25 एंड एंट्री नंबर जनवरी जून 25। लास्ट सेकेंड आपकी ट्रांजेक्शन है, एक बार इसको रीड कर लो। रिसीव द चेक फ्रॉम एक्स एंड इंडोर्स्ड इट टू वाई ऑन 29th जून ₹6,000। तो ये अभी ये जो एंट्री है इसको आपने कैश बुक में कहीं भी शो नहीं करना है, क्योंकि 6,000 का चेक हमने रिसीव किया बट हमने उसको क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया, मतलब जहाँ जिसकी पेमेंट करनी थी वाई को आगे दे दिया। तो ये आपके पास देखो, आप वर्किंग नोट में इसको मेंशन करेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम, और इसकी लास्ट सेकेंड एंट्री है ये, ओपन पेज नंबर 11.25, इलस्ट्रेशन नंबर 9। स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 9 की लास्ट सेकेंड एंट्री है, इस लास्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन। Received a check from X and endorsed it to Y on 29th June. That is the new entry. जबकि मैंने डिस्कस किया आपसे कर लिया है, still आप इसको जो है वैसे ही कर सकते हो। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू X एंड Y डेबिट टू चेक इन हैंड। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया इससे पहले, जब आपको मैंने क्लियर किया था, सेम वही है आपको। आपको इसका कहीं पर भी कैश बुक में मेंशन नहीं करना है, इसकी आपको जनरल प्रॉपर करनी है एंडोर्समेंट की। तो जनरल प्रॉपर आपका वर्किंग नोट में होता है, आपको वर्किंग नोट में जनरल प्रॉपर में करके शो करके दिखाना है। और स्टूडेंट्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सिंगल कॉलम कैश बुक, तो वो बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हमने सिंगल कॉलम इसको ट्रीट किया था। परचेजेस के टाइम पे, सेल्स के टाइम पे, या जहां पर भी ये मेंशन है उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको कैलकुलेट करके इसको बाय, अगर परचेजेस के साथ आ रहा है तो बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी कैलकुलेट करके वही शो करते रहेंगे। अगर सेल्स के साथ आ रहा है ठीक है, भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट 10 भी आपका इजिली हो जाएगा, सीजीएसटी और एससीएसटी से रिलेटेड है कुछ आइटम्स, और कुछ भी न्यू नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी आपकी इजीली हो जाएगी, और 11 में वही लास्ट जो एंट्री है वो यही है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग एट ₹700 एट ऑफिस। तो ये सेम वही ट्रांजेक्शन जो भी हमने यहाँ किया, यहाँ पर भी हमने 5,000 कैश ऑफिस में रख के बाकी जो अमाउंट था उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है। तो ये वैसे ही सेम जैसे मैंने कैलकुलेशन की थी आपकी, टोटल करके बैलेंस निकाल के उसमें से 5,000 आपने रिटेन किया, देन जो बाकी बैलेंस हो गया उसकी हमने कौन सा एंट्री करके दिखाई थी। सेम इसी तरह से आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 में भी करना है, ये एंट्री सेम है जो मैंने अभी डिस्कस की है। तो 11th भी आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज आप ट्राई करेंगे तो 11th तक आपकी इजिली क्वेश्चन हो जाएंगे। आज वो तो आगे भी जाएंगे बट स्टिल आप अभी 11 तक करेंगे, आगे हम कल डिस्कस करती हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।